एक्सटेंड ऑफ आपके मट्रस पर रहता है, इजी जिसको कहते हैं आपका कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन बस इतना रिसोर्स मैटर करता है। अरे गाड़ी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, व्हाई व्हाई, बहुत सारी चीजें हैं। कोई कहता है स्टेटस नंबर है, कोई बोलता है मुझे ट्रैवल के लिए आसान हो जाएगा, कोई बोलता है ह्यूमर इवेंट, बट अबाउट द बिजनेस कॉस्ट है। तो अगर आपके साथ आपकी स्टेट यानी आपकी जाती स्टेट वो इस हवाले से है कि मैंने अपने डेस्टिनेशन पर जाना है, गाड़ी मेरे पास ही है, पेट्रोल टैंक कंप्लीट है, हर चीज सेटल है, एलिगेशन देना है, गुड। लेकिन आप बाहर में करते हैं, आप देखते हैं गाड़ी लाए, मालूम करते हैं, पता लगता है भाई देखे तो के आप, अब आप क्या करेंगे, आप चले जाएंगे या गाड़ी के अंदर करेंगे? एग्जैक्टली, बिकॉज डिटरमिंड है। अगर आप डिटरमिंड नहीं है तो आपके पास जो सबसे पहला हथियार आएगा कमजोरी का वो क्या आएगा, जस्टिफिकेशन। यू स्टार्ट जस्टिफाइंग योरसेल्फ, यार उतने लेट नहीं, वो मौसम नहीं, यू था यू था यू था यू था, जस्टिफाई। तो जस्टिफाइंग एक लूजर का एटीट्यूड है, ठीक है। और डिजाइनिंग स्टेट ऑफ माइंड, ब्रिलियंट, now you are there, now you are there, whatever, right? अब अगर ये तो पूरी साइंटिफिक प्रोफेशन में जो इन्होंने कही, बच्चों ने सैयद नजाकत, नजाकत ने जिस तरीके से बात बताई वो एक साइंटिफिक अप्रोच पर, जिसको अगर हम आर्ट्स में देखेंगे तो कैसे देखेंगे सक्सेस, वंडरफुल, फुलफिलमेंट, सुकून, सुकून। अगर आपके अंदर सुकून है तो कायनात भी कोई चीज बेटर करती है, नहीं करती ना। लेकिन अगर आपके पास कायनात की हर चीज मौजूद है लेकिन सुकून नहीं है, क्या मैटर कर रहा है, कुछ मैटर नहीं कर रहा, राइट। तो अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कुछ चीजों, अब मैं जंप करता हुआ जाऊंगा, ये तो हमारी एक थोड़ी सी आपस की गॉसिप थी कि मैं आपको थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट के साथ लेकर आऊं। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ ताकि आपको और इजी हो जाए कि माइंड साइंसेस बेसिकली मुख्तलिफ किस्म के सब्जेक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है, ठीक है, जिसमें न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसको हम NLP कहते हैं, TI यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस, इसके अलावा आपका सिल्वा, इसके अलावा आपका हिप्नोसिस, और सोल, ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस हैं। दुनिया में हर एरिया के मास्टर मेथड ट्रेनर्स मौजूद हैं, राइट। ये सारी चीजें आपको इंटरनेट पे बहुत आराम से मिल जाएंगी, जो बातें आप बता रहे हो ये आपको मिल जाएंगी, लेकिन उसके मत फंसिएगा। ये चूंकि सारी की सारी नेचुरल है तो नेचुरल में यह होता है कि आपको लगता है ये तो मुझे आता है, तो आती चीज आपको सिर्फ वो है जो आप अप्लाई करते हैं। जब अप्लाई नहीं कर सकते वो आपको आती नहीं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है खाली। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड स्किल। नॉलेज इंफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन पैटर्न, राइट, और स्किल आपका प्रैक्टिसिंग एटीट्यूड है। एक आदमी जिसने सारी जिंदगी सिर्फ क्रिकेट देखी है और पसंद करता है, देखिए खेली कभी नहीं, अगर आप उसमें कैच करवाएंगे तो जो सबसे पहली चीज उसकी टूटेगी, यू नो क्या टूटेगा उसका, ड्रीम। जिस दिन वो जैसे ही बॉल उसके हाथ में आएगी तो वो देख तो रहा है ना, तो ह्यूमन बीइंग का स्किल है। और हम अशरफुल मखलूकात क्यों हैं, अब तक 18,000 स्पीशीज डिफाइंड है थर्ड डायमेंशन,
इसके अलावा क्योंकि आपकी जो समाज लेवल है उसका एक सर्टेन हर्ट्स है, आप उस हर्ट्स से ज्यादा नहीं सुन सकते, दैट इज अराउंड 20,000 हर्ट्स, राइट, इससे ज्यादा नहीं सुन सकते आप। 60 डेसिबल से अगर ऊपर कोई चीज हो जाती है तो आपको लगता है कि मेरे कान का मतलब फट जाएगा, जिसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं ये मफ्स, जब आप शूटिंग करते हैं तो आपको पता है आप लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो इसका कन्वर्जन ऑफ एनर्जी आएगा मैकेनिकल एजेंट का कन्वर्जन साउंड में आएगा, जब साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो साउंड का फ्रीक्वेंसी लेवल है वो 60 डेसिबल से ऊपर जाएगा, और अगर आप किसी जगह पर हैं और आप दर्द 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 को सुन रहे हैं तो आपको कानों में सीटियां बजना शुरू हो जाएगी, क्यों, उसकी लिमिट से ऊपर चला गया ना। तो ये थर्ड डायमेंशन है, थर्ड डायमेंशन का ऑडिटरी लेवल लेंथ जिसको आप कहते हैं, इसी के साथ विजुअल डायमेंशन देखना, आपसे कहते हैं यस व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई ऑफ द ब्लू, रियली ब्लू है स्काई, आपको से कितने की राय है कि स्काई इज ब्लू, आप क्या लगे, ओके 2, 3, 4, 5, ओके बाकियों की क्या राय है, ब्लैक, हाँ ब्लैक, ओके ओके ब्लैक क्यों, व्हाई, जो कुछ नहीं होता वो ब्लैक होता है, ओजोन लेयर तो ये रही आपकी हार्डली 250 किलोमीटर, हार्डली 250 किलोमीटर ओजोन लेयर पे तो लंबा लंबी स्टोरी नहीं है भाई, हैदराबाद से पहले आ जाता है ओजोन लेयर ऊपर को जाएगी। आपका क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए, आपका मुझसे क्वेश्चन होना चाहिए था कि व्हाई इज इट ब्लू, रोशनी है, सनलाइट, हां सनलाइट लाइट, नेक्स्ट रात में भी ब्लू होता है कि चांदनी हो तो कितना बड़ी चांदनी रात ब्लू, आप अपनी आंखों के थ्रू जब देख रहे हैं ये दो गोटियां लगी हुई हैं, रेटिना, उसके पीछे कोन्स एंड रॉड्स, ये सारी चीजें हैं, वो मिला के इमेज उल्टा बनाती है फोकल लेंथ के ऊपर, काफी तरह के मुद्दों पर जहां पर आपकी नजर की हद खत्म हो जाती है, वेर यू बिकम कलर ब्लाइंड, ब्लू स्पॉट, ब्लू कहां से स्टार्ट होता है, जब आपको नजर आना बंद हो जाता है, सर नजर आना आंखें बंद करे तो भी बंद हो जाता है, नहीं नजर जब आप आंखें बंद करते हैं ना सर तो नजर पर आपको ना हल्का हल्का गुलाबी या रेडिश दिखता है, हाँ वो क्या है, वो जो आपकी पलक ऊपर से बिठाई है ना वो उसके अंदर जो सेलुलर सिस्टम है ना वो दिखाई देता है, तो सेलुलर सिस्टम से आगे नहीं देख पा रहे हम, तो ये तो आप नियरेस्ट जो चीज देख पा रहे हैं बस वो आप देख पा रहे हैं, मैं आपको जो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये मुख्तलिफ छोटी छोटी मिसालें देकर, मैं ये बता रहा हूँ कि आप अपने लेवल को ये अंडरस्टैंड कीजिए कि आप लोग लॉजिकल ब्रेन में बुरी तरीके से फंसे हुए, जो देखा वो है, जो सुना वो है, जो महसूस किया सूंघा वो है, जिसको टेस्ट कर लिया वो है, गॉट इट, अगर मैं आपसे आग दिखाऊं और मैं आपसे कहूं कि ये आग ये दिख रही आपके तो ये आग है, और मैं कहूं कहता हूं कि ये जो है ये जिसको आप आग कह रहे हो या बहुत आग वाला ये मैं आपके सर पे रखने जा रहा हूं, आपका रिएक्शन क्या होगा, डिफेंसिव राइट, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ट्रस्ट मी आपको कुछ नहीं होगा, अब आपका जो रिएक्शन है, मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूं रिस्पॉन्स की नहीं, अब आपका जो रिएक्शन है वो बेस कर जाएगा मेरे और आपके दरमियान के ट्रस्ट लेवल, अगर आपका ट्रस्ट लेवल मेरे साथ है तो आप कहते हैं हाँ गुड, आपका ट्रस्ट लेवल नहीं है तो आप मुझे नहीं कर रहे, चाहे वो जो आग आपको दिख रही है वो आग नहीं है, अब आप अलाउ क्यों नहीं कर रहे
क्योंकि आपको मेमोरी तंग कर रही है। आपकी मेमोरी में क्या है? आग। मेमोरी में आग क्या बता रही है? क्या होगा? जला देगी, नुकसान देगी, हार्मफुल है। या आपकी मेमोरी चल रही है, राइट? जब आप मेमोरी में होते हैं तो मेमोरी के साथ आप फंस जाते हैं रिसर्च एरिया पे, जो बहुत जरूरी है। इसका अपना एक एरिया है, डायमेंशन है, रिसर्च बहुत जरूरी होती है, लेकिन लॉजिकल ब्रेन के पोर्शन तक, ठीक है। लेकिन अगर आपको वंडर्स क्रिएट करते हैं तो आपको रिसर्च से निकलकर एक्सप्लोरेशन पर आना पड़ेगा। ये एक्सप्लोरेशन समझने क्या होती है? एक्सप्लोर करेंगे, दोबारा एक एक्सरसाइज करेंगे, जैसे हमने पहले की थी, एग्जैक्टली वही एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन अब की बार हम झेलेंगे, अब की बार हम एक्सप्लोर करेंगे। हम क्या एक्सप्लोर करेंगे कि जब मैंने सांस रोक लिया, व्हाट इज हैपनिंग, ये सब क्या हो रहा है, अंदर क्या महसूस कर रहा हूँ, कर रही हूँ, बाहर कैसे लग रहा है, चीजें क्लियर थी अब ब्लर दिख रही है, ठीक है। नर्व्स पे क्या असर आ रहा है, मेरे माहौल मुझे कैसा महसूस हो रहा है, ये सब आप करना शुरू करेंगे, राइट। तो चलें कमर सीधी करें, टांगे सीधी करें अपनी, अपनी थाई पे हाथ रखें और एक दो गहरे सांस ले लें, पहले नाक से गहरे लंबा सांस, मुंह से निकाल लें प्लीज। जैसे मैं आपसे वन कहूंगा तो आपने सांस लेना है, और जब मैं टू कहूंगा तो आपने सांस होल्ड कर लेना है, ओके। नो वी आर रेडी, सो नाउ वन होल्ड, नाउ एक्सप्लोर, डोंट बी अ विक्टिम ऑफ सफोकेशन, जस्ट एक्सप्लोर। हाँ हाँ, सांस रुकी भी है, मैंने खुद रुकी है, मैंने रुकी है, अपने आप को बताते रहे और देखें कि क्या हो रहा है, आपको कहाँ कहाँ गुजर आ रही है, कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों हो रहा है, सर नजर आ रही है, चीजें नहीं आ रही है, बात तो सांस को लंबा खींचने के लिए आंखें तक बंद कर देते हैं। चलिए रिलैक्स कीजिए। हाउ वाज दिस एक्सपीरियंस एज कंपेयर्ड टू द फर्स्ट वन? कैसा था वो? ज्यादा तकलीफ देता या ये ज्यादा तकलीफ देता? पहले वाला। एग्जैक्टली, क्यों? बिकॉज पहले वाले में यू आर विक्टिम, पहले वाले में यू आर विक्टिम, योर वाज मेरी किस्मत, हर वक्त मेरे साथ ही, मैं ही क्यों, व्हाई मी, राइट? अब की बार में क्या हुआ? यू आर इन द कंट्रोल, मेरे कंट्रोल में है, मैंने खुद रोका है, लेट्स सी क्या होता है, चलो आगे चलते हैं, नहीं मरेंगे, बेहोश हो जाएंगे, व्हाट एल्स, ठीक। अब आपने एक्सप्लोरेशन किया है यहाँ पर, पिछला जो था वो मेमोरी रिलेटेड था, तो रिसर्च था, यानी रिसर्च का मकसद ये है कि आपने एक चीज को किया सारा कुछ, और आपने जाते वक्त वो इनको समझा दिया, यार ये काम जो है जिसको आपने आके करना है, ये मैंने काम किया, ये मेरे, यानी आप उसको बाउंड कर रहे हो कि मैंने काम किया, पर ये है इतना ही करने का। तो अगर आप इस हॉल में हमेशा वहां से अंदर आ रहे हैं और पूरी जिंदगी वहीं से आ रहे हैं और इसको भी आपने वहीं से रिसीव किया है, तो इसने अगर इसको एक्सप्लोर नहीं किया तो इसको भी पूरी जिंदगी यही लगेगा कि वहां से ही आ रहे हैं। और अचानक किसी कोई स्टूडेंट आ गया और उसने आकर नजाकत जैसा था, उसने आकर एक्सप्लोर किया और पूछा कि सर या मैडम ये इधर से ही आने का है या और भी कहीं से आने का है, अगर इसको बंद कर देंगे तो कहाँ से आने का है, तब आपको पहले बोल रहे हैं हाँ ये तो है, लेकिन पिछला ऑफर था ऑफर को दिखाई, तो पिछले ऑफर का रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। टू दैट एक्सटेंट उसने आपको अपना एक मैप दे दिया, लेकिन रिमेंबर मैप्स आर नेवर टेरिटरीज। कराची का एक मैप है ना, अगर आप चप्पे से आते हैं, लेकिन वही मैप दूसरे तरीके से इस्तेमाल होता है अगर हम नियाली से अंदर घुसते हैं,
वही मैप अलग से है अगर आप समंदर से आ रहे हैं, वही मैप अलग से है अगर आप हैदराबाद से आ रहे हैं, वही मैप अलग है अगर आप कठोर से सूरत को आ रहे हैं, मतलब आप कहाँ से जा रहे हैं। अब अगर ये सारे मैप वाले एक आदमी से मिलते हैं जिसको कराची जाने का, और वो आके आपसे कहता है मुझे कराची जाना है, मैं आप मुझे लियारी का मैप पकड़वा देते हैं, ये मैं देखता हूँ ओके। अब मैं उसमें परेशान हूँ क्योंकि मुझे पहले लियारी ढूंढना है, मेरा ट्रू नॉर्थ क्या है, जो मैप मुझे मिला है लियारी इज माय ट्रू नॉर्थ। इतने में आप आ जाते हो, आप मुझे कहते हो परेशान हो, मैं कहता हूँ हाँ यार ये मुझे मैप मिला है, लेकिन मैं एक्चुअली मैंने जा रहा है कराची, आपने कहा यार क्यों कर दिया, ये मैं देखता हूँ स्टील मिल से, क्योंकि आप स्टील मिल से आ रहे। इस तरीके से मुझे कई सारे लोग मित्र लोग कई सारे मैप से इकट्ठे हो जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती मुझसे क्या हो गई है, यू नो दिस, बताइए मुझे ये तो पता है कि मैंने जाना कहाँ है, लेकिन मुझे ये पता नहीं मैं खड़ा कहाँ हूँ। हर आदमी मुझे मैप चिपका रहा है, लेकिन मैंने किसी से ये नहीं पूछा कि सर ये मैप्स तो है, पर इस मैप के हिसाब